मुझ क्यों नहीं जाते? वो अंधे का अंधा याद करे, मेरी भी सुन, मैं सभा में जाने लायक ना, मेरी तेरे द्रौपदी शर्म नहीं, सेला कर ले मुंह जल जाता, खाला करते गरम नहीं, तेरी इन बातों से मेरा द्रौपदी या हो बे नरम नहीं, बहु बेटी ने पूरी तक हो यो छत्री का धर्म नहीं, बहु बेटी ने पूरी तक हो यो छत्री का धर्म सर पड़ जाऊंगी, सर पड़ जाऊंगी, सर पड़ जाऊंगी तेरे गुस्सा सभा में जाने से अनाथ खड़ी होती है। हाँ। उस दिन अनाथ खड़ी नहीं हुई जिस दिन तूने अपने पिता सरी के जेठ को बोली के तीर मारे थे, अंधे का अंधा कह के बोली थी, ओ मजाक करी थी छोटी सी, जेठ के लिए मजाक। हाँ। कलयुग चल रहा है, कुछ भी हो सकता है। ए वीर सिंह सरपंच, जेठ के लिए मजाक होते हैं क्या कभी? वो अलग ही रागला आजकल बाबा, जेठ की कोई वैल्यू नहीं, जेठ ने तब नई छोरी भाई साहब कह के संबोधित करे हैं, जेठ का मामला खत्म कर दिया। हाँ, तू भी तो बड़ी बाबी हो। और शुरुआत तन्ने करिए इसकी। सुन। सुना? आज तेरा सारा खून काट लेंगे जो ये मुझे। जी रहने दे। खता बताई नहीं मेरे जितनी और किसे में देवर मिले समाई नहीं, पर तेरे ता ज्यादा, तेरे ता ज्यादा मारे कुल में कोई और बद जात लुटाई नहीं। देखा है देते मान जानी तो नहीं कुछ, चल दूंगी तुझे। कहना क्या चाह रही है? बेकायदे ते बोले मत मैं खाती तेरी कमाई नहीं, बेकायदे ते बोले मत मैं खाती तेरी कमाई नहीं, पर तेरा नंगा नाच देख के, तेरा नंगा नाच देख के दुर्योधन बर्बाद करे नहीं किसे में, नहीं किसे मैं जोरी किसा जो जी मैं साधु करे, नहीं किसे मैं जोरी साजो जी मैं साधु करे। आदरणीय बाबूजी श्री नानक सिंह चौहान साहब, उनकी तरफ से 200 रुपए और 500 रुपए हमारे आदरणीय बाबूजी श्री सुशील चौहान जी 500 रुपए से मान सम्मान करते हैं। बड़े भाई भाई बबनी राघव जी पहले भी 200 रुपए से सम्मान किया है और 200 रुपए फिर इस रागनी पर। बाबूजी श्री इंदर सिंह जी पूर्व सरपंच साहब, उनकी तरफ से फिर से 200 रुपए, बार बार धन्यवाद। हमारे आदरणीय बाबूजी सुदेश शर्मा जी वकील साहब, भाई वकील साहब के 200 रुपए कोताही कर गए, देखो 200 रुपया तो आ ही गए,
अरे भाई 300 रुपया उधार है, या तो आ जाए 10-5 मिनट में, नहीं रात के ढोल की बजेगी आज पंडितानी के ढोल। समझ लेबर कोर्ट के वकील की अहमियत और भी ज्यादा है बाबूजी। हेलो भाई, ऐसा है भाई जो पूंछ जरूर लाग रही है वकील की, और भगवान की कृपा इतनी है, काम बहुत है, लेकिन एक बड़ा धर्म उसके, एक धर्मात्मा पना से किसी विडो से फीस नहीं लेनी, किसी लेडी से फीस नहीं लेनी, और गरीब आदमी का फ्री केस लड़ना, भाई मैं तो शायद इससे बढ़कर धर्म नहीं मान रहा। तो ये तो चलो ठीक है भाई, जो श्रद्धा है वो अपना, भाई साहब इसी यही धर्म की परिभाषा है, बहुत अच्छी बात, धन्यवाद। वैसे ही मजाक कर रहे थे, कई दिन पहले रहे तेरे ये जो बैंड वाले हैं ना, हाँ ये बहुत दिमागदार, बहुत खोपड़ी रखते हैं ये। अच्छा, ये समय के अनुसार हवा का रुख देख के काम करते हैं। हाँ। क्योंकि हस्तनापुर, हंसे मत, हस्तनापुर की सभा में तेरी सारी हंसी खत्म कर दूंगा। ओहो, वहाँ पे देसी तर्ज नहीं चलेंगी तो? वहाँ फिल्मी तर्ज चलेंगी। अच्छा, और फिल्मी तर्ज ऐसी होंगी और गाने ऐसे होंगे, सुन ध्यान से इधर। सुना, आज भरी सभा में ध्यान कर कौन सा रंग है। आज भरी सभा में होगा तेरा नाच नंगा, लगा ठुमके पांचाली हो, ये झूम उठेगी, ये झूम उठेगी मैं फिर, ऐसा होगा गंगा। बजे जब जम के तारी, क्यों रही है, क्या कर रहा था तू अभी? ताली बजा रहे थे ये लोग, मैं भी ताली बजा रहा। कैसे बजा रहा है एक बार बजी? कैसे बजा रहा था? देख लो भाई, ताली बजा रहे ये क्षत्रिय हैं। हाँ, हम क्षत्रिय। अब इनकी क्षत्रियपन तो दूर हुआ, ये क्षत्रिय, हाँ क्षत्रियपन का खून हमारी नाड़ियों में दौड़ रहा है। हाँ, अब तुम बाकी छत्री छत्री रह गए, क्षत्रिय ना रहे। अब देखो एक और बात बहुत अच्छी, पते की बात बताऊंगी, अगर अच्छी लगे तो जोरदार ताली जरूर बजाना। क्या कहेगी? कहूंगी। क्या कहेगी? देखो अब इनके तीर तलवार भाले ठाने तो बस की नहीं है, अब तो ये एक ही काम करते कर सकते हैं, घर घर जाके। मतलब? मतलब जब बच्चा बच्चा होता है, जब शादी होती है किसी की तो। अच्छा, हिजड़े कह रही है हमें? हाँ। क्यों भाई, सुबह से प्रोग्राम देख रहा तुझे और किसी पे हंसी ना आई, ये मुझे हिजड़ा कह रहा, तू हंस रहा है, शर्म की बात। तो अब तू, और तुमने भी इसके पक्ष में ताली पीट दी, ये कोई बढ़िया बात नहीं थी। अच्छा तू एक बात बता, राजा दशरथ के कितनी बहू थी बता? ये मेहमान उल्टो ही मिले, इसने तो हवा में तीर छोड़ दिया, ठिकाने पे लग गया। तीर नहीं छोड़ा, पते की बात बोली। हाँ, पते की बात कुछ नहीं, मैं भी ठोक का जवाब दूंगा, ऐसा जवाब दूंगा कैसा? जो प्रमाणिक है। अच्छा बता भाई, दादा राजा दशरथ के कितनी बहू थी? चार नहीं थी, तीन थी। चार बता रहे हो आप? नहीं, तीन थी, तीन ही थी, वाल्मीकि जी को पढ़ो, तीन ही थी, तीन, कौशल्या, केकई और सुमित्रा। यस, राजा दशरथ को तीन बहू थी। हाँ, अच्छा गोपी चंद का इतिहास सुना होगा, गोपी चंद के कितनी बहू थी? 16। हाँ इसे पता, 16 थी। मेरा समझाने का मतलब यह है सरपंच साहब, आपने ये तो सुना होगा अक एक मर्द को कई औरत हो सकती है, सुना है, पर दुनिया में यह नहीं सुना होगा अक औरत एक और खसम पांच पांच ले रही हो, ये आठवां अजूबा है दुनिया। मैंने वरदान मांगा था शंकर भगवान से, जब ये, क्योंकि एक इंसान के अंदर पांच गुण नहीं हो सकते। ये बता, अच्छा तेरे कितनी पत्नी है? सच्ची सच्ची बताइए, छोटी सी बात और बता दे, फिर टाइम नहीं है मेरे पास। नहीं, इसमें सच की क्या बात है? नहीं बता दे, सच्ची बता। तुम कैसे टकटकी लगा के देख रहे हो? हाय क्या पता कोई नया सवाल आए। बता रहा हूँ सरपंच साहब, हाँ मतलब तुम्हें बहम पैदा हो रहा है, मेरे ऊपर विश्वास नहीं है। जल्दी बता, ऐसा समझो जैसे तुम्हारी नजर में बाबा राम रहीम का दूसरा भाई मैं ही हूँ।
गुफा में रहता हूँ। ऐसा है हम क्षत्रिय हैं, छत्रापन हमारे अंदर है। और सुनो, हम ईमानदारी से ही बता रहे हैं, बताओ, अपने बताओ, जीवन की भी बात बता, सच्चाई सच्चाई से। हमारे एक घरवाली थी। वो ही है, और दुनिया तो चाहे कोई कितनी कर ले, मेरे वही रहेगी एक ही। देखो जी, इसके एक थी, एक है, एक रहेगी। जब ही आधे सर के बाल उड़ रहे हैं इसके, अगर मेरी तरह देख, मेरे पांच पांच पति है फिर भी टक्कर ले रही हूँ। बॉडी सॉडी भी अच्छी बना रखी है, मर लेगा कुछ दिन में तू। रुक जा, मैं बाजे बड़े क्या कहा, पांच पांच पतियों से टक्कर ले रही है और फिर मुझसे टक्कर ले रही है। तू भी बदाम बदाम खा, आज तू भी ईमान धर्म पे एक बात बता, जब खुल के ही हो रही है तो बता। मुझे युधिष्ठिर पे शक नहीं, मुझे अर्जुन पे शक नहीं, ना कुल और सहदेव पे शक नहीं, तू धर्म ईमान से बता भीम पे कैसे टक्कर। तू यही तो देख, मैं भीम से टक्कर ले सकती हूँ तो तुझे भी मार सकती हूँ। एक चपेट पड़ेगी ना, गिर जाएगा नीचे। नंगा नाच चावेंगे तुम कौन न जाने वाले हो, जब खुद भगवान बचावेंगे तुझे याद सुगमूर नंगी कर दे और अब खुशी मनावेंगे। वो सृष्टि के रचने वाले क्या क्या खेल खिलावेंगे, वो सृष्टि के रचने वाले क्या क्या खेल खिलावेंगे। और अब तेरे जैसे दया चल्लाद करे, तुम कौन दया करने वाले इस पर सब की मदद करे। मैं सभा में जाने लायक ना मरी चंद्र बाद करे। अरे रूप दूसरा लगी दिखावन, पहला बोया काटा ना। साफ कहन में मेरे प्यारे देवर कदे भी दिल काटा ना। हमने भी कौरव कौन कहे जो तने थूक के चाटा ना। उस ईश्वर की माया का हो देवर भेद किसे ने पाटा ना। ईश्वर की माया का हो देवर भेद किसे ने पाटा ना। की माया का भेद या तो तेने पाटा या तेरा यो भाई बैठा, चारों वेदों का शास्त्री उसने पाटा। पहला कर्या हुया भरले, अरे पहला कर्या हुया भरले, मत द्रौपद नहीं अनाद करे। गुरु मान सिंह के भजनों में नित